मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि मौसम ख़राब होने वाला है, तो अब यहाँ पे बर्फबारी हो रही है। सॉरी, आई एम सॉरी, यहाँ पर बारिश हो रही है, तो आलमोस्ट जहाँ पर मैंने पहुँचना था और रेस्ट करना था वहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ। अब यहाँ से आगे रास्ता इतना मुश्किल नहीं है, तो जो हमारा सब माउंटेन से लेकर अब मैं ऑलमोस्ट सब अल्पाइन पहुंच गया हूं, तो हमारा सफर यही मज़े का, क्योंकि मैं शिमला रास्ते की वजह से इंतहाई थक भी गया और मैंने इसको खूब इंजॉय भी किया। ऑलमोस्ट 4 ईयर बाद मैं अब माउंटेन क्लाइंब कर रहा हूँ, क्योंकि एक बंदा सीधा लाहौर से है और वो पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू करे, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। लेकिन जब आप तो आप पहाड़ के अंदर जो पोशीदा जवाहरात जो है पहाड़ के सीने के जो अंदर छुपे सोने जो हैं, आप उनको निकाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है आपका जो इरादा है वो मजबूत होना चाहिए। मैंने लाहौर से इरादा किया था कि रास्ते में जिस किस्म की मुश्किलात का मुझे सामना करना पड़े, मैंने उधर से इरादा किया था इंशाल्लाह आई विल फेस इट। एंड टुडे अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव फेस इट। तो सफ़र बहुत अच्छा रहा। अगर आप दोस्तों में से आप भाई में से भी कोई नेचर को एक्सप्लोर करना चाहते हो, नेचर को इंतहाई करीब से देखना चाहते हो, तो मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ। मैं आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर हूँ। मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं कि क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए, कहाँ हमें जाना चाहिए। तो मैं गिलगित बल्तिस्तान का आभासी हूँ, लेकिन मैं जीसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मैं क्यों ऊपर क्लाइंब कर रहा हूँ, वो मैं आप लोगों को फ़िलहाल नहीं बताऊँगा। जब रास्ता थोड़ा बहुत मेरे लिए इजी होगा, मैंने कहा था आप लोगों से शेयर करूँगा। तो मैं यहाँ पर आया हूँ, जो मेरी जो रिसर्च है उसके हवाले से मैं यहाँ पर आया हूँ। रिसर्च का जो टॉपिक है वो है एथनो एकोलॉजिकल असेसमेंट। तो जो मेडिसिनल प्लांट है मैंने उनको भी एक्सप्लोर करना है। मेरी तो ये कोशिश है कि मैं कोई न्यू स्पीशीज़ को डिस्कवर करूँ। और जो यहाँ का मौसम है, क्लाइमेट है, यहाँ की जो मिट्टी है, मैं इंशाल्लाह इन सब का सैंपल कलेक्ट करके मैं ले जाऊँगा और इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर काम करूँगा। लाहौर में तो मुझे तो यही लगा था कि सीज़न तो बिल्कुल ऑफ हो चुका है, मेरे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मिला तो कोई 20 से 30 प्लांट्स मुझे यहाँ से कलेक्ट करने का मौका मिलेगा। लेकिन जो कहते हैं ना, उस्ताद हमेशा उस्ताद ही होता है। तो मेरे प्रोफेसर रेस्पेक्टेड डॉक्टर सुहेल साहब, सर ने मुझे कहा था, बेटा आप फील्ड विज़िट करें, इंशाल्लाह आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उससे बढ़ के आप काम करके आओगे, आप इंजॉय करोगे। और यकीनन अब मैं तकरीबन सब अल्पाइन, सब माउंटेन और इसके बाद आप सब अल्पाइन में ऑलमोस्ट 3000 से अबो में, 3000 मीटर हाइट में इस वक्त
चल रहा हूँ। तो अब जो सर ने मुझे कहा था, मुझे जहन में मेरी एक ही बात चल रही है कि उस्ताद हमेशा उस्ताद ही होता है। तो यहाँ पर मैं सर का इंतहाई शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर ने मुझे मोटिवेट किया और मुझे यहाँ पर भेजा। अब मैं तकरीबन यहाँ पर मैंने पहुँचना था, पहुँचने वाला है। ये रास्ते में देखें पानी, ये ऊपर यहाँ पर चश्मा यहाँ से ऊपर है, जो माउंटेन एरिया में वहाँ से निकलते हैं और पानी ऊपर से नीचे आ रहा है। और इनका यकीन करें टेस्ट, आप इसको इमेजिन कर ही नहीं सकता है। इनका जो टेस्ट है, जो मिनरल वाटर हम लाहौर में यूज़ करते हैं, इसके सामने कुछ भी नहीं है। तो जो भी नेचर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, नेचर के साथ लगाव रहते हैं, उनकी कोशिश है नेचर को करीब से देखने की, तो आइए, मोस्ट वेलकम। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर मुझसे पूछ सकते हैं कि हमें, पहले ही मैंने आप लोगों को बताया हमें क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। इंशाल्लाह आई विल हेल्प यू ग्रेट पीपल। बीइंग ए स्टूडेंट, मेरा सिर्फ तालीम हासिल करना मकसद नहीं है, मेरा मकसद इंसानियत का भी काम आना है। यहाँ पर मुझे शायर मशरक अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ रहा है, जो कि हर बच्चे को याद है। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हे लोग वही जहाँ में अच्छे, हे लोग वही जहाँ में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। तो अपने काम के साथ साथ सोशल काम का मुझे इंतहाई इंटरेस्ट है। तो मैं कभी भी हिचकिचाता नहीं कि किसी दूसरे की हेल्प करने में। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मौसम कितना ख़राब होता जा रहा है, हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है। इंशाल्लाह मिलते हैं थोड़ी देर चलने के बाद। यहाँ पे मैं रेस्ट करूँगा, वहाँ पहुँच कर मैं आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी।